दूसरी पीढ़ी की मारुति सुजुकी ऑल्टो देश में इंडो जापानी कार निर्माताओं की ओर से अगली बड़ी लॉन्चिंग को लेकर खुलासा मार्केट के लिए हो चुका है। हालांकि कार निर्माता ने इसकी लॉन्चिंग को टाइमलाइन के द्वारा साझा किया है। नई पीढ़ी की आने वाली मारुति सुजुकी ऑल्टो को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चाएं मार्केट में जैसा कि चल रही थी, वही कंपनी ने इस कार की कई तस्वीरें तथा इंटीरियर पर भी सामने साझा किया था। अब खबरें आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की सेकेंड पीढ़ी का मॉडल जल्द ही डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू करने वाली है, यानी ये कार अब आप सभी के घरों में दिखाई देने वाली है। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी जबरदस्त कार यानी ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को मार्केट में अब फाइनली लॉन्च करने वाली है, जिसकी घड़ी अब सामने आ चुकी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये हम सभी के लिए मार्केट में अगस्त के एंड तक यानी 2021 में ही लॉन्च होने वाली है। इसके लिए आधिकारिक तौर पर ग्राहकों को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। 2021 की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी ऑल्टो के टेस्टिंग मॉडल को पूना में स्थित प्लांट द्वारा संचालित किया गया है, जो कि जिस दौरान आप इस वीडियो के अंदर इस जबरदस्त कार को देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को कितना खूबसूरत डिजाइन किया गया है। पहले के मुकाबले में अब मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के डिजाइन में फेरबदल किए गए हैं, यानी इस कार के लुक को एक बॉक्सी ना बनाते हुए तथा एक एसयूवी डिजाइन दिया गया है, जो कि वाकई में ही ग्राहकों को पहली नजर में इस कार को दीवाना बनाने वाला है। इसमें कई डिजाइन अपॉइंटमेंट और तथा फीचर्स को अपडेट करके 2021 ऑल्टो को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ मार्केट में मौजूद इसी प्राइस रेंज में दूसरी कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए डेवलप किया गया है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्केट में आने वाली मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के स्पेसिफिकेशंस, लॉन्चिंग डेट और कीमत के बारे में। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के एक्सटीरियर की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी की तुलना में मार्केट में नई ऑल्टो के नई ग्रिल ऑप्शन के साथ आप सभी को दिखाई देने वाली है, और न्यू टू क्रीज के साथ नया बम्पर भी आप सभी को इस कार में दिखाई देने वाला है, जो कि इसको ताजा फ्रेश लुक मार्केट में देने वाला है। इसमें आप सभी को टाइगर नोज शेप के हेडलैम्प्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि एक पतली क्रोम एंटी के साथ माध्यम से जोड़े गए हैं। फॉग लैंप पे आप सभी को चारों ओर काले तवे और अन के स्पोर्टी फिट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि इस कार को पूर्ण रूप से स्पोर्टी लुक प्रदान करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो क्रीज पहले की तरह ही जारी करते हुए सामने की तरफ लाई गई है। लंबी पतली रूफ रील सेकेंड में ऑप्शन में देखने को मिलती है। नई ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन लंबे व्हील बेस के साथ मार्केट में आएगी, और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ रियर सेक्शन को नई डिजाइन की एक रैपिड टेल लैंप्स के द्वारा बम्पर के साथ रिवाइंडर किया गया है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा एग्रेसिव मार्केट में बनाने वाली है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी की 2021 मारुति ऑल्टो को इंटीरियर के मामले में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि इसमें आप सभी को पहले के मुकाबले यानी 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन कंपनी ने मुहैया किया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। इस कार में साथ ही साथ डैशबोर्ड को ब्लैक कॉम्बिनेशन द्वारा संचालित किया गया है। टी लिस्ट पे आप सभी को स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की सुविधा भी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में मिलती है। साथ ही साथ स्क्लेस एंटी एंड डोक बोर लॉकिंग, पावर एडजस्टेबल और फॉग लैंप्स, ORMs और कई अन्य फीचर्स को शामिल किया गया है। इस कार की सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट कर दिया गया है, यानी इस कार पे आप बैठने के बाद अपनी राइड को आरामदायक महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार के अंदर आप सभी को वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी पहली बार इस मॉडल के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। इंजन तथा पावर की तरफ गौर करें तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो मीडिया रिपोर्ट्स के चली खबरों के मुताबिक 2021 के अंदर आप सभी को 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर ऑप्शन के साथ दिखाई देने वाला है, जो कि पावर टेन द्वारा संचालित किया गया है, जो कि आप सभी को नेक्स्ट जनरेशन वैगनर में भी दिखाई दे सकता है, जो कि पावर के मामले में आप सभी को 83 BHP की मैक्सिमम पावर के साथ 113 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। साथ ही साथ कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को नए यानी 1.0 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन द्वारा भी साझा किया गया है। ये मोटर आप सभी को 67 BHP की मैक्सिमम पावर सड़कों पर प्रदान करेगी तथा 90 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करके
क्षमता देने वाली है। इस जबरदस्त मारुति सुजुकी ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन हैचबैक कार के अंदर आप सभी को दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। माइलेज की बात करें तो पूर्ण रूप से नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो का माइलेज प्रति लीटर में आपको 28 से लेकर 31 किमी का प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगा। कंपनी का एक रिपोर्ट में कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को CNG विकल्प के द्वारा भी साझा करके हम सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा, मगर उस बात का पूर्ण रूप से अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वैसे तो मार्केट में मारुति सुजुकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो तथा ऑल्टो को अपडेट करके जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका प्रमाण सितंबर तक कहा जा रहा है। डीलरशिप के द्वारा इस कारों को हम सभी के लिए जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाएगा। अब साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स की तरफ गौर करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी दूसरी कारों से काफ़ी यूनिक तथा अलग बनाया गया है, क्योंकि इस कार में आप सभी को काफ़ी एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया है, जिसपे मारुति सुजुकी अपनी विटारा ब्रेजा जैसी अन्य SUV कारों को डिजाइन करती है, जो कि इस दौरान इस जबरदस्त कार की बॉडी को 80% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किया गया है। इस कार में आप सभी को फ्रंट में डुअल नहीं बल्कि 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ EBD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360° व्यू बैक कैमरे के साथ IFSO फिक्स राइड लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर आप सभी को इस कार में ढेरों सेफ्टी फीचर्स को मुहैया करवाया गया है, जो कि वाकई में ही काफ़ी ज़बरदस्त पूर्ण रूप से बात मार्केट के लिए होने वाली है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को पूर्ण रूप से लॉन्चिंग के लिए तैयार कर दिया गया है, यानी इस कार को काफ़ी बार भारत में टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया है। इस कार की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, मगर फाइनली अब वो वक्त आने वाला है जब इस कार को आप सभी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इस कार की लॉन्चिंग को लेकर सितंबर तक एंड तक मुहैया करवाया जाएगा तथा इस कार की प्री बुकिंग हम सभी ग्राहकों के लिए स्टार्ट कर दी गई है, यानी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। अगर आप इस जबरदस्त कार को इस वीडियो को देखने के बाद बुक करने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय आप सभी के लिए बिल्कुल सही समय होने वाला है, क्योंकि आगे जाके इस कार की लॉन्चिंग के बाद इस कार की बुकिंग को प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ये सबसे पॉपुलर कार है जो कि कब विजिबल प्राइस रेंज में आप सभी के लिए नेक्स्ट जनरेशन अवतार के साथ दिखाई देने वाली है, जिसके प्री बुकिंग में ढीले का समय भी हो सकता है। तो अभी मौका आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्री बुकिंग ओपन है, आप इस कार को घर बैठे आसानी से बुक कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप इस कार को बुक करना चाहते हैं आज ही और अभी इसी टाइम, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा डायरेक्ट लिंक, जहां पर आप विजिट करके इस कार की पूर्ण रूप से जानकारी लेकर अपने लिए बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आप सभी के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी मुहैया करवाए गए, यानी आप अपनी पुरानी कार को लाकर एक्सचेंज के तौर पर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इस कार पे EMI ऑप्शंस को भी हम सभी ग्राहकों के लिए मुहैया करवाया गया है। डाउन राशि की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को बुक करने के लिए आपको केवल 1000 रुपये का टोकन राशि देने की जरूरत है। इसको देने के बाद आप सभी को रिसिप्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ इस कार की बुकिंग में आप सभी का नाम भी दर्ज हो जाएगा, यानी जब लॉन्च होगी तो सबसे पहले आप सभी ग्राहकों पे ये कार डीलरशिप द्वारा बुलाकर आप सभी को दी जाएगी, जो कि वाकई में ही ज़बरदस्त प्लानिंग कही जा रही है। तो आप इस कार को बुक करने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। साथ ही साथ अगर आप सभी को हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की ये वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। कोई सुझाव तथा अन्य कमेंट्स को जारी करने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे।